अगर आप भी यूज करते हैं Realme का 5 डिवाइस या फिर कोई भी Realme का कोई भी डिवाइस, जैसे हो गया Realme 2 Pro, Realme 6, Realme XT, Realme XT Pro, यहाँ पे Realme 5, 5i, 5s, Realme 3, Realme 3 Pro, ये सारे अगर आप Realme के डिवाइस यहाँ पे यूज करते होंगे तो एक आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा जो कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, 1:5 सेव पावर ना हो। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सभी के सभी डिवाइस में जो है वो आ रहे हैं, तो इसका मैं सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ यहाँ पे। मैं आज ही के दिन यहाँ पे अभी तुरंत कस्टमर से मैंने बात किया और उनसे प्रॉब्लम का इस सॉल्यूशन मांगा, तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया यहाँ पे 6 से 7 स्टेप कुछ बताया। तो ये स्टेप अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो है पावर जो है बैटरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलेगा। जैसे यहाँ पे आपका बैटरी जो है 2 घंटा चलता है तो यहाँ पे जो है 2.5 घंटा यहाँ पे आपका बैटरी चलने लगेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको कॉल दिखाता हूँ, कॉल में मैंने रिकॉर्ड कर लिया है क्या क्या बात किया है कस्टमर से, ये आप सुन लीजिए। कॉल सुनने के बाद यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा कॉल में क्या क्या बात हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल सुना देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या इन्होंने टिप्स बताया, क्या क्या फॉलो करने से ये ठीक होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉल ऐड करता हूँ वीडियो को। वेलकम टू रियलमी सपोर्ट, माय नेम इज रितेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर मेरा मोबाइल फोन में बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है। कौन सा डिवाइस है आपका? सर Realme 5 है और मेरे पास एक Realme 2 का भी फोन है, जो कि सर दोनों के दोनों डिवाइस में यहाँ पे सर बैटरी ज्यादा नहीं चल पा रहा है। ओके, किस समय ये प्रॉब्लम आता है? कोई ऐसा सिनेरियो, गेमिंग या फिर ऐसा कुछ? नो सर, तो गेमिंग में तो सर प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन यहाँ पे जो है सर मोबाइल अगर फुल चार्ज करके मैं यहाँ पे रख दूँ तो सर 10 मिनट में यहाँ पे 1-2% सर ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद जब नेट चलाता हूँ तो वहाँ पे बहुत फास्ट बैटरी जो है खत्म होता है। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, प्लीज फॉलो कीजिएगा। यस सर। सो सबसे पहले ये बताएं कि चार्जर कौन सा यूज कर रहे हैं? सर Realme का ओरिजिनल चार्जर जो हमें मिला है बॉक्स में उसको मैं यूज करता हूँ। चार्जिंग के समय आप अपने डिवाइस को यूज करते हैं? नो सर। ओके, इसी के साथ सर, जैसे कि जब आप कोई पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन अपने डिवाइस में यूज कर रहे हैं, अगर उसी समय कोई दूसरी एप्लीकेशन भी आपके डिवाइस में रन कर रही है, वो भी आपके बैटरी को कंज्यूम करती है, इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड किया कीजिए। मतलब सर जो रिसेंट में अगर एप्लीकेशन ओपन करके मैं रखूंगा तो उससे भी बैटरी ड्रेन होता है? जी 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 जी। यस सर। राइट, उसी के साथ अगर आपके जो अननेसेसरी जो फीचर्स होते हैं जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, जीपीएस, इस तरह के जो फीचर्स होते हैं, अगर ये ऑन रहते हैं आपके डिवाइस में अननेसेसरीली, तो प्लीज इन्हें ऑफ कर दिया कीजिए, बिकॉज इनकी जो फंक्शनिंग होती है बहुत ही एक हाई स्केल पर होती है, लार्ज स्केल पर होती है, और ये अगर कनेक्टेड है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो इनकी जो सर्चिंग है, जो सर्चिंग होती है, जो सर्च करते हैं अपने लिए नेटवर्क को, उसकी वजह से भी बैटरी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। yes, थोड़ा कीजिए। इसी के साथ पावर सेविंग मोड अपने डिवाइस का ऑन रखें। ये कुछ नॉर्मल सी ट्रबल शूटिंग है जिन्हें आप डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे तो बैटरी का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। yes, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा, बट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा पहले से। यस सर। इसी के साथ एक बार अपने फोन का पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम प्लस बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखिएगा 8 से 10 सेकंड के लिए। यस सर। पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम प्लस बटन 8 से 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। सर पावर ऑन ऑफ बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन और अप बटन। यस सर। दोनों बटन को 8 से 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना, एक बार प्रोसेसर रिबूट होकर रिस्टार्ट हो जाएगा। yes. अगर प्रोसेसर में से ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी जिसकी वजह से बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा है तो वो वहां से रिजोल्व हो जाएगा। yes. एक बार ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें डेली बेसिस पर फॉलो करके देखिए, इस स्टेप को एक बार ट्राई करके देखिएगा, अभी जो मैंने बताया पावर ऑन ऑफ वॉल्यूम वाला, इससे भी आपको रिजोल्यूशन मिल सकता है। राइट। Yes, तो एक बार ये चीज करके ट्राई कीजिए। अभी आपने अपने डिवाइस को सॉफ्टवेयर अपडेट लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर रखा है? यस सर, एंड्रॉइड 10 का जो सर लेटेस्ट वर्जन है उसे मैंने अपडेट कर चुका है। वर्जन का नेम बता पाएंगे एक बार आप मुझे बता पाएं तो मैं ये फीडबैक नोट डाउन करना चाहूंगा। सी सर, लेट मी सर चेक। जी जी प्लीज। सर C.49। C.49 आपके डिवाइस में अभी रन कर रहा है। यस ओके। So, इस चीज को मैं एक बार फीडबैक के तौर पर भी नोट कर रहा हूँ ताकि डेवलपर टीम के साथ शेयर करूँ, आने वाले अपडेट्स के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। स्टिल उस तब तक के लिए आप थोड़ा सा समय दीजिए और अपने डिवाइस को यूज कीजिए प्रॉपर तरीके से। अगर स्टिल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है बैटरी ड्रेनेज को लेकर तो एक बार सजेस्ट करूंगा कि अगर सर्विस सेंटर भी विजिट करते हैं
यस तो सर, वहां से भी आपको इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। यस सर सर बट यहाँ पे सर सर्विस सेंटर बहुत दूरी पर है, यहाँ पे नहीं है नियर बी में। ओके, आपके नियर कोई सर्विस सेंटर नहीं है मतलब? नो सर, यहाँ सर लगभग 300 किलोमीटर के दूरी पर है। देन डेफिनेटली सर इस चीज को आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू जरूर रिजॉल्व किया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे आपके डिवाइस में, अब आने वाले अपडेट्स जो होंगे उनके थ्रू जरूर ये जो ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा आपके बैटरी को लेकर, ताकि बैटरी इस तरीके से ड्रेन ना हो। यस सर, कोई कंफर्म डेट अपडेट का है यहाँ पे बताते थोड़ा। मैं डेट नहीं बता पाऊंगा बिकॉज अभी अभी आपको जून मंथ का अपडेट मिला होगा, राइट? यस CBM 49 अपडेट भी आपने किया होगा कुछ समय पहले, यस सर, तो अभी आने वाले अपडेट के बारे में ऐसी कोई डेट नहीं बता पाऊंगा। टीम वर्क कर रही है इसके ऊपर, डेवलपर टीम, और अभी जैसे ही वो प्रिपेयर होता है, जैसे ही नया अपडेट प्रिपेयर होता है, हम जरूर इसके बारे में आपको बता पाएंगे। यस सर, ओके, तो अभी के लिए आप ये चीजें फॉलो कीजिए जो स्टेप मैंने बताया, एक बार ये करके उसके बाद अपने डिवाइस को नॉर्मल तरीके से यूज कीजिए जिस जिस तरीके से मैंने बताया, यस सर, तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो आपको कम होती हुई लगेगी। जी सर, मैं बिल्कुल सर स्टेप को फॉलो करूंगा। जरूर जरूर, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है निश्चिंत होकर कभी भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी सहायता की जाएगी। यस सर, ओके, और कोई सहायता मैं कर पाऊंगा आपकी? नो सर, रियलमी में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मुझे पूरा विश्वास है आप जो कॉल रिकॉर्ड मैंने किया था, कस्टमर से बात किया हुआ, वो आप सुने होंगे, पूरा का पूरा सुने होंगे। अगर पूरा सुने होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। और अगर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया साउंड प्रॉब्लम के कारण, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ इजीली। तो उन्होंने बोला कि आप जब रिसेंट एप्लीकेशन, यहाँ पे जो बैटरी का है जो है एप्लीकेशन रिसेंट में आपको नहीं रखना। जैसे ये कैलकुलेटर मैं ओपन कर दिया, फिर बंद कर दिया, वीडियो ओपन कर दिया बंद कर दिया, ये ओपन कर दिया बंद कर दिया, प्ले स्टोर यहाँ से ओपन कर दिया और इसे भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं रिसेंट में जो है एप्लीकेशन यहाँ पे बैकग्राउंड में रन करते रहता है। यहाँ पे देखते हैं ये सर, जितना भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप रिसेंट पे रखेंगे ये सब रन करते रहते हैं बैकग्राउंड में। और इसके रन करने के कारण यहाँ पे बैटरी जो है वो कंज्यूम करता है, यहाँ पे बैटरी जो है ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, मैं यहाँ पे बैटरी पे होल्ड प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पे आप देखते हैं वन इशू फाउंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो सेव पावर पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए जो रिसेंट में किया मैंने, जैसे यहाँ पे अभी तो अभी नहीं दिखा रही है, 6 मिनट पहले का है। तो जो मैंने रिसेंट में रखा है उसका भी यहाँ पे आएगा कुछ देर के बाद। तो यहाँ पर देखते हैं ये तीनों जो है पावर है कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर ज़्यादा बैटरी जो है ले रहा है। तो यहाँ पर तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं एक्सटेंड बैटरी लाइफ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप देखते हैं इशू जो है वो हट चुका है। अब मैं जो रिसेंट पे यहाँ पे एप्लीकेशन जो इतना सारा चला रहा हूँ, तो इसका जो है बैटरी कंज्यूम होगा अगर मैं 10 मिनट के लिए फ़ोन अपना रख देता हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से पावर सेविंग में जाकर आपको हटा देना। तो और यहाँ पे रिसेंट में एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जो है नहीं रखना है। अगर आपका मोबाइल यूज़ में नहीं है तो यहाँ से आप रिसेंट से हटा देंगे, या फिर कोई भी जो है यहाँ पे सिस्टम यूज कर लिए हैं आप, कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी थी रिसेंट से यहाँ पे आप हटा देंगे। और चार्ज करते समय यहाँ पे आपको जो है मोबाइल डाटा ऑन नहीं करना है, चार्ज करते समय मोबाइल जो है वो चलाना नहीं है। और जो चार्ज करते हैं उसके लिए आपका रियलमी का जो है चार्जर से आप चार्ज कीजिएगा, दूसरा चार्जर से आप चार्ज करेंगे तो यहाँ पे बैटरी लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। और उन्होंने बोला कि जो एप्लीकेशन है वो जो लॉन्ग एप्लीकेशन जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहता है उसे रिमूव कर देना है। और उन्होंने बोला कि अगर तब भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट में फिक्स किया जाएगा, उन्होंने साफ साफ बोला है। अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, पूरा फिर से एक बार सुनिए। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट अपडेट में इसको ज़रूर फिक्स किया जाएगा बैटरी प्रॉब्लम को। और इन्होंने बोला कि अगर आप विजिट कर सकते हैं नियर बी सर्विस सेंटर आपके पास है तो आप विजिट करेंगे वहाँ पे, तो आपका प्रॉब्लम जो है वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे तो नियर बी में नहीं है, तो आपके नियर बी में है तो वहाँ से भी आप जाकर सॉल्व करवा सकते हैं फ्री में, उसका कोई चार्जेज आपको देना नहीं पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि आपका जो है मोबाइल अप टू डेट रहना चाहिए, यानी जो भी अपडेट आया है तो उसे अपडेट करना है लेटेस्ट वर्जन में। जैसे कि आपकी रियलमी 5 5 5 5S में यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आया है जो कि एंड्रॉयड 10 है, तो इसे मैंने भी अपडेट कर लिया है, तो इसे आपको अपडेट करना है। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर अपडेट कर सकते हैं रियलमी 5 में। और यहाँ पे एक हैंगिंग का भी प्रॉब्लम चल रहा है, हैंगिंग हीटिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, इसका भी जो है नेक्स्ट अपडेट में फिक्स किया जाएगा। इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और रियलमी वाला से बात किया था, तो उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं किस प्रकार से मैंने बात किया, किस प्रकार से उन्होंने सोल्यूशन दिया, उन्होंने सोल्यूशन भी बताया और सॉल्व भी प्रॉब्लम हो गया। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 यहाँ पे वीडियो दे दिया हूँ, 100% 70% यहाँ पे काम करने वाला है। तो मैं वीडियो का लिंक दे दिया हूँ नीचे, वहाँ से आप इजीली चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे जो बैटरी कंज्यूम वाला मैंने आपको बताया, अगर मेरे बात पे यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा है ये स्टेप पे, तो आप सुन सकते हैं, मैंने लाइव बात किया है वो आप सुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे नेक्स्ट अपडेट रिलीज हो
बैटरी वाला, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिलीज हो चुका है अपडेट, आप अपडेट कर लीजिए, आपका जो है ठीक हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि अपडेट जो है वो आ चुका है, और कर लें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूँ अपडेट वाला, तो आपके पास भी चला जाए और आप भी इजिली कर पाए। तो यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।